नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर शहर एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही गृहभेदन, चोर इत्यादि की घटनाओं के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं गठित टीम द्वारा तकनीकी वैज्ञानिक एवं मानवीय सूचना के आधार पर लगातार काम करते हुए कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए सामान एवं रुपये को बरामद कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी से सबौर, लोदीपुर एवं कजरेली थाना के कुल 4 कांडों का उद्भेदन हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में कुंदन यादव, सोनू कुमार, विवेकानंद यादव, बलराम यादव और विकास यादव शामिल है। सभी अपराधियों के पास से हथियार के साथ साथ जिंदा कारतूस, मोबाइल भी बरामद हुआ। गिरफ्तार सभी अपराधियों में कई अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। हम लोग मेन जो हम लोग का उद्देश्य था भागलपुर पुलिस का, हम लोग जो है केस नंबर 684-23 पे हम लोग काम कर रहे थे, जो कि सबौर में घटित हुआ था। 29/12/23 को ये घटित हुआ था और तकरीबन मतलब 20 लाख की इसमें गृहभेदन हुआ था इसमें। और जो अपराध शैली था, ये लोग क्या करते थे, पूरे गांव में घूमते थे और वहाँ के गाँव का जो लोकल आदमी था वो लाइनर का काम करता था और वो इस गैंग को बताता था कि कौन सा घर जो है वहाँ पे अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए मकान मालिक जो है उस एरिया से वहाँ पे नहीं है। तो अब जब ये इस केस पे जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया तो पता चला कि कुछ लोग जो हैं संदिग्ध हैं, तो उन्हें उठाया गया और सबसे पहले कुंदन यादव की गिरफ्तारी हुई। कुंदन यादव का एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है जिसमें गृहभेदन, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट, इसमें ये जो हैं नामजद रहे हैं और बांका और नौगछिया में भी ये सक्रिय हैं। तो काली स्थान के पास जो कि जो लोदीपुर थाना है उसे तकरीबन 3 किलोमीटर पे है और विकास यादव जो अभियुक्त है, जो गिरफ्तार किया गया है, उसके घर के पास एक तालाब है। तो बहुत सारी चीज़ें जब ये चोरी करते थे, गृहभेदन करते थे, वहाँ पे जो चीज़ें ये लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे, मार्केट में नहीं बेच पाते थे, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये लोग जो है कुएँ के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको तोड़ के। और इसी क्रम में तकरीबन 8 घंटे तक इस टीम द्वारा 8 घंटे तक पानी निकाला गया तालाब से और उसमें बहुत सारे आई कार्ड, फोटोज़, पासबुक, ये सब जो है बरामद हुआ और इसके थ्रू बहुत सारे केस जो है डिटेक्शन होना स्टार्ट हुआ। जिला परिषद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव की बात दो खेमे में बट गई है, जिसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह के कुर्सी जाने की संभावनाएं दिख रही है, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे, जिसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने आज भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में दो पक्षों की बातें सुनी और 20 जिला परिषद सदस्य के सरसरी हस्ताक्षर प्राप्त किए, लेकिन अभी तक निर्णय आना बाकी है, जिससे दोनों पक्षों में अभी भी कानाफूसी प्रारंभ है। एक तरफ जहां जिला परिषद सदस्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में नाथनगर के मिथुन यादव करते दिखे, वहीं दूसरों में टुनटुन शाह ने खुद कमान संभाल रखा है। आज हम लोगों का जो बैठक है डीएम सर के यहाँ, डीएम सर निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का बात को सुने, समझे और उम्मीद है आज शाम तक हम लोगों को अविश्वास का जो डेट है आज मिल जाएगा। विगत में आज हम लोग जांच में आए थे, सभी 31 पार्षद में 27 पार्षद, 4 पार्षद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन लोग का भी अपना आवेदन लगाए हैं लोग, और 27 पार्षद जो है हम लोग यहाँ उपस्थित थे। इसी में सभी से पूछा गया तो सभी लोगों ने बताया गया कि ऐसा कोई, हम तो बोले भाई कोई विश्वास पर बेबुनियाद, जितना आरोप लगाया सब बेबुनियाद है, उसकी जाँच कराई जाए और जाँच करा कर सही दोषी है तो होना चाहिए, और दोषी नहीं है तो उसको मुक्त किया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित 169 वैसे दिव्यांगों को, जो 60% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उन्हें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बैटरी चालित 169 रिक्शा का वितरण किया गया। कुछ दिव्यांगों को समाहरणालय में और बाकी दिव्यांगों को उनके निजी बुनियादी केंद्र पर बैटरी चालित रिक्शा का चाबी दिया गया। बैटरी चालित रिक्शा वितरण कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री योजना के तहत चलाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग यह बैटरी चालित रिक्शा वैसे दिव्यांगों को वितरण कर रही है जो 60% से अधिक दिव्यांग है। समाज कल्याण विभाग है, उसके तहत बैटरी चालित रिक्शा जो दिव्यांग जन हैं, जो पढ़ाई के लिए या काम के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं और उनको पहले समस्या होती थी, तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके आलोक में समाज कल्याण विभाग ये निःशुल्क बैटरी चालित रिक्शा जो है योग्य दिव्यांग भाई
बहनों को उपलब्ध कराता है। पहले भी हम लोगों ने लगभग 150 रिक्शा जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय भी, उसके बाद भी हम लोगों ने दिव्यांग बंधुओं में वितरित किया है, और आज भी 169 बैटरी चालित रिक्शा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से जो आसपास के थे उनको कलेक्ट्रेट बुला करके दिया गया, अन्य को जो है नज़दीक के बुनियाद केंद्र पर बुला करके उनको चाबी हैंडओवर की गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। उन्होंने दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए वह जाने जाते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थक पहलुओं द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भूमि सुधार और वंचित को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों का क्रियान्वयन शामिल था, जिसको लेकर उन्हें यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसको लेकर आज राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा आभार मार्च निकाला गया, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस आभार मार्च यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों कार्यकर्तागण शामिल थे। बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का को भारत रत्न पुरस्कार मिले, इनकी मांग करते आ रहे थे, और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मांग को स्वीकार करते हुए इन्होंने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर से एक अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई है, जहां एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भागलपुर जमालपुर की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा। मामला मालदा डिवीजन के भागलपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां इस शख्स ने साफ तौर पर कहा है कि वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग विभाग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। उन्होंने यह भी कहा कि शौचालय में रेलवे विभाग द्वारा निःशुल्क शौचालय जाने की बात कही गई है, लेकिन यहां महिलाओं से 10 रुपये करके यहां के ठेकेदार लेते हैं। कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है या दिक्कतें यात्री वर्षों से झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। उन्होंने कहा, अगर हमारी बातें रेलवे विभाग नहीं सुनती है तो मैं आमरण अनशन पर बैठा ही रहूंगा और यहीं पर जान दे दूंगा। मालदा मंडल के पूर्व रेल के मालदा मंडल के भागलपुर जमालपुर दोनों स्टेशन पर सर वाणिज्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और ऑपरेटिंग तीनों मिलकर जनता का शोषण करती है। प्रमाण ये है कि जैसे आप ये शौचालय देख रहे हैं, इसमें बहुत खर्च हुआ है, पर इसको सिर्फ 8 से 4 खोलने का इन्होंने विधान बनाया है, महिलाओं के लिए है, रात को ही नहीं खुलता कभी भी। ऊपर डॉर्मेट्री है आम जनता के लिए, उसमें कील निकला हुआ है, नीचे से रॉड सब निकला हुआ है जिसमें लोग सोते हैं, चोट भी लगता है लोगों को, उससे कोई वास्ता नहीं। अंदर जो शौचालय है वहाँ महिलाओं से पेशाब का 10 रुपया करके चार्ज किया जाता है, जबकि निःशुल्क है। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि शिकायत पुस्तिका नहीं है, या पहले जाओ उस पेशाब वाले को बुला के लाओ। इंजीनियरिंग विभाग का काम था वो वाला ऑपरेटिंग का और इसका, तो वो बिल्कुल नहीं करते। ये डॉर्मेट्री बने हुए 10 साल हो गया, पर अभी तक जो रॉड निकला हुआ रूम में उसको ठीक नहीं कर पाए लोग। बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, नई राजनीति किस और करवट लेती है, बस इसकी औपचारिक घोषणा बची हुई है। सरकार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बैठक का दौर जारी है। सियासी घटनाक्रम के बीच भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि अभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, राजनीतिक में किसी के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं रहता, सभी के लिए सभी दरवाजा खुला रहता है, कोई भी पार्टी किसी के साथ जाकर सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन जल्द ही कुछ परिवर्तन होगा। देखिए, ऐसा तो कुछ अभी स्पष्ट नहीं है कौन कहाँ क्या ज्वाइन कर रहे हैं,
रही बात कहीं किसी गठबंधन में होने का, घटक दल में जाने का या गठबंधन करने का, तो राजनीति में सभी संभावनाओं को लोग खोल के रखते हैं। कभी भी राजनीति में किसी भी दल का कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है, सभी दरवाज़ा खुले रहते हैं और समय परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन होता है। बिहार राज्य के विकास के लिए, बिहार की जनता के डेवलपमेंट के लिए हमारे माननीय नेता, पार्टी के सर्वमान्य नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। बिहार में जो जनाधार मिला है, उस जनाधार के आधार पर हमारी पार्टी किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करके ही सरकार चलाएगी। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।